बात महाराष्ट्र की अगर करें तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो चुके हैं, ये खबर मिल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर वानखेड़े भी उनके साथ रवाना हुए हैं। तो देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं इससे पहले अपने पद से, क्योंकि उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई और ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बड़ी जिम्मेदारी इस तौर पर कि महाराष्ट्र में जो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी का वो कैसे और ज़्यादा सही हो, वो किस तरीके से बेहतर हो, क्योंकि इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में वो कमाल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। और 2019 में, क्योंकि आप जानते हैं उस वक्त जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फाड़ नहीं हुए थे, तो उस वक्त की शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी तरफ से बेहतरीन प्रदर्शन उस दौरान रहा। लेकिन इस बार क्योंकि राह अलग हुई, जब राह अलग हुई तो अलग अलग राह पर चलते हुए चुनाव लड़ा गया। और देखिए इस बार का जो परफॉर्मेंस था उसके बाद खबर यह आई कि जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करता हूं और अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर भी रवाना हुए हैं। अब दिल्ली में क्या चर्चा की जाती है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल आ चुका है और वहां पर अलग अलग कयास जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाए जा रहे हैं। हालांकि आप देखिए नेताओं की तरफ से सफाई भी दी जा रही है, क्योंकि कुछ कुछ अलग अलग अंदर खाने जो खबरें हैं वो छनकर बाहर आ रही हैं। तो इसीलिए अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए अपने सांसदों को भी लगातार वहाँ पर बातचीत की जा रही, विधायकों से बातचीत की जा रही है। और इसी कड़ी में बीच में ये खबर कि जो डिप्टी सीएम हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, अब वो यहाँ पर आके मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया जो उम्मीद वहां पर भारतीय जनता पार्टी से ये जताई जा रही है।